डायरेक्टली यहाँ पे आपका या तो वेयरहाउस पे चला जाएगा या फिर कस्टमर को वही आप बेच सकते हो। तो ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, हो गया। इसका सेल्स भी हो सकता है या फिर वेयरहाउस को भी ये जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये इनर है लड्डू बनाने के तीन तीन डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट जो है वो बेसन का है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो बूंदी का है, और तीसरा डिपार्टमेंट लड्डू का है। अगर हम डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं जाते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कॉस्ट बढ़ गया तो कहां बढ़ा, प्रॉब्लम हुआ तो कहां हुआ। तो इसलिए हमें भी एक सीख मिलनी चाहिए कि आप डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट वाइज कर लो, ताकि हर एक डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दे सकते हैं हम कि आप अपना जो कॉस्ट है वो बहुत घटा के प्रोड्यूस करो। तो ऐसे ही घटा घटा के हमारा कॉस्ट जब घटेगा तो प्रॉफिट हम ऐड करते भी हैं तो सेल अच्छे तरह से कर पाएंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा नहीं, और हमें ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कॉस्ट बढ़ गया था पिछले मतलब पीरियड के मुकाबले। तो ये एक छोटी सी कहानी जैसे, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे है बेसन बूंदी और लड्डू। ओके, एक मिनट, एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट्स लेते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, कब चाहिए? ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है वो हर एक प्रोसेस का कॉस्टिंग होता है। आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट तक रीच करते हैं। ठीक है, पता नहीं मेरी हिंदी को क्या होगा, बहुत मैं स्टटर कर रहा हूं आज, शायद वीडियो क्लासेस की आदत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कभी भी हो जाता है ऐसा, विराट कोहली के आउट हो जाता है या कब कौन में, अब ऐसा नहीं कि मैं विराट कोहली, ऐसे ही मैंने बोल दिया। ठीक है, अब हर एक प्रोसेस का कॉस्टिंग होता है। हर एक प्रोसेस का मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने जैसे कहा एक एक प्रोसेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट तक रीच होते हैं। तो एक एक प्रोसेस जब वो उनका बनता है तो उनका कॉस्टिंग भी होता है। ठीक है, अब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक क्या बोलते हैं अलग सा अकाउंट होता है, हमने उसी तरह से यहां पे बनानी है एक एक प्रोसेस का अकाउंट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बूंदी, तो पहले हम करते हैं बेसन वाला प्रोसेस का अकाउंट। बेसन वाले ने मान लीजिए हमें यहां पे मान लीजिए क्या एकदम से हमें दो दो कॉलम्स बनाने हैं, एक है यूनिट या फिर वेट्स या फिर कुछ भी। ठीक है, हम यहां पे काम करते हैं, वेट्स लेते हैं और यहां पे अमाउंट लेते हैं, यहां पे भी वेट्स और यहां पे अमाउंट। ठीक है, मान लीजिए उसने दाल खरीदा था एक सौ किलो, राइट, और कुछ वो 4000 देके खरीदा, जीरो लिखने की मतलब जगह नहीं है, यहां पर मैंने ऐसे लिखा। एक काम करते हैं, बड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं तो वापस कभी की जरूरत।
यहां पे मेटीरियल है दाल और वो खरीदा 100 किलो जिस दाल को उसने खरीदा एक एक किलो का 40 रुपए के भाव में तो 4000 रुपया लगा उसको। उसके साथ साथ उसने लेबर लगाया और उसको कुछ 2000 की ओवरहेड्स भी थे वो भी मान लीजिए 2000 है। जब वो मशीन में डाला तो नेचुरली बेसल कुछ हिस्सा उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा, वेस्ट होगा ही होगा, जितना भी क्यों ना वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में करे, एयर टाइट कंपार्टमेंट में करे, उड़ना तो वाजिब है, उड़ना तो नेचुरल है। तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बोलता है कि यार कुछ मेरा नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। अब मैंने नॉर्मल लॉस यहां पे क्यों डाला, क्योंकि जो मेटीरियल बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में, सीधी बात। हम कंसाइनमेंट में भी पढ़े थे जब एब्नॉर्मल लॉस हुआ करता था क्रेडिट साइड में डालते थे, ठीक है, तो उसी तरह से लॉस है तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ये नॉर्मल लॉस जो है हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, मान लीजिए 10% हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो मेरी 10 किलो नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ये नहीं कि वो बिक ना पाएगा, वो बेच नहीं सकते, ऐसा नहीं है, वो बेच सकते हैं लेकिन नॉर्मल भाव से बहुत कम पे बेचेंगे, क्योंकि लॉस वाला चीज है ना ये। अब बेसन उड़ गया, बेसन उड़ गया मतलब इसका मतलब है नीचे बिखर गया, उड़ के एक लेयर सा जम गया, वो लेयर को हम झाड़ू वाड़ू मार के, ठीक है, जो कड़वा चौथ में वो देखते हैं ना यार उस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, पलना चलना क्या पता मुझे ठीक नहीं, स्ट्रेनर, ठीक है, कुछ भी आप समझ गए ना, वहां जहां से वो पत्नियां अपने पति को देखते हैं, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड को भी देखते होंगे शायद पीछे वो खड़े हो सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वो सब ये करके जो बेसन निकलता है उसे बहुत कम दाम में बेच देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप करते हैं। तो स्क्रैप में जब बेचते हैं तो मान लीजिए वो जो स्क्रैप हमने बेचा एक एक 10-10 रुपए में बेच दिया हमने, तो 100 रुपया हमने स्क्रैप में बेच दिया। हमने जब वो जो बेसन हमें मिला, मतलब क्वालिटी बेसन जो मिला हमें, उसका मेजरमेंट किया, तो मान लीजिए हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला बेसन का कुछ 880 मिला, नहीं 100 किलो तो 88 किलो मिला, ठीक है भैया, 88 किलो मिला, 88। अब देखिए हमने डाला 100 किलो, हमारा लॉस हो गया 10 किलो, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला 88, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 88 किलो हमें भी मिला, 100 किलो हमने अगर डाला और 10 किलो नॉर्मल लॉस में चला गया, तो इससे ये साफ होता है कि जितना लॉस होना चाहिए था उससे ज्यादा ही लॉस हो गया, उससे ज्यादा ही लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमने 100 किलो डाला उसमें से 10 किलो नॉर्मल लॉस जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो 90 किलो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें अगर 88 किलो मिला तो 2 किलो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया लॉस। तो हमें यह पता चल गया कि 2 किलो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, एबी लॉस एबनॉर्मल लॉस कितना, यह 2 किलो एबनॉर्मल लॉस है, इतना पता चला। लेकिन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा कि यार 2 किलो नहीं, उसका अमाउंट लिखो। अब 2 किलो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका अमाउंट कैसे डालें, हमको एक फॉर्मूला अपनानी है और उस फॉर्मूले के जरिए एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करनी है, सिंपल है। और फॉर्मूला क्या है, आपके बुक में देगा फॉर्मूला कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट क्या है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का मतलब
ये नॉर्मल कॉस्ट है 4228, लेकिन वहां से हमको ये माइनस करनी है क्योंकि ये हमें थोड़ा स्क्रैप में मिल गया है। तो 8000 माइनस 100 होल डिवाइड में नॉर्मल आउटपुट, जैसे हमने कॉस्ट से ये इनफ्लो डिवाइड किया उसी तरह से हमने टोटल जितना डाला उसमें से नॉर्मल लॉस हमें माइनस करिए तो मिलेगा कितना, 100 किलो माइनस 10 किलो तो 90 किलो मिलेगा नॉर्मल आउटपुट। तो 7900 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं, 2 किलो, ठीक है। तो 7900 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 2, ठीक है, ये बन जाएगा जितना भी आएगा, कितना आ रहा है फटाफट, 176 करके लिखते हैं। तो 176 आपका 2 किलो का एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है फिनिश्ड गुड्स से, ये ट्रांसफर होगा बूंदी डिवीजन के लिए। तो आप यहां पे बाय बूंदी करके लिख सकते हो कितना है, 88 किलो। तो कितना आप लिखोगे यहां पर, तो ये 8000 है, यहां से ये माइनस कर लो जितना आपका मिलेगा वो लिख लो, सीधी बात है, राइट। एक फिर से रिकैप करते हैं, बेसन के डिपार्टमेंट में हमने डाला दाल 100 किलो, लेबर हमने लगाया 2000, ओवरहेड्स हमारे हुए 2000, ये 4000 में हमने खरीदा। 100 किलो जब प्रोसेस हुआ तो 10 किलो हमारा उड़ गया, ठीक है, 100 किलो हमारा जब प्रोसेस हुआ तो 10 किलो बेसन उड़ गया। तो बेसन जो 10 किलो उड़ गया तो हमें मिलना चाहिए 90 किलो, लेकिन हमें मिला 88। तो इससे पता ये चल गया तो 2 किलो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस अगर हो गया तो हमारा एबनॉर्मल लॉस 2 किलो करके हमको पता है, लेकिन इतना अमाउंट हमें नहीं पता। इतना अमाउंट हमें कैसे पता चलेगा, क्या नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट होल डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल लॉस करके पता चलेगा, हमें सीधी बात है। अब नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट कैसे है, टोटल कॉस्ट को हमने इससे डिडक्ट कर लिया, नॉर्मल आउटपुट मतलब जितना हमने डाला उससे नॉर्मल लॉस माइनस कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस। तो जितना हमारा बचा 8000 में से 276 माइनस करो तो इसका अमाउंट आएगा 7700 772। So 88 kgs will be transferred to Bundi department at the cost of 7724. Simple चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूं और यहां पे जो 88 किलो लिखा, यहां पे मैंने जो 88 किलो लिखा, मैं अगर वहीं पे 95 केजी लिखूं तो क्या होगा, right? तो 100 किलो मैंने डाला, 10 किलो मेरा लॉस हो गया, मेरा होना चाहिए 90, लेकिन मेरे हो गए 95, तो एबनॉर्मल लॉस के बदले मेरा एबनॉर्मल गेन हो गया। जब एबनॉर्मल गेन होता है तो 5 किलो मेरा एबनॉर्मल गेन हो गया, तो उसका भी हमें वैल्यूएशन कर लिया नेचुरली, और वो फॉर्मूला सेम ही है, बस क्रेडिट की जगह आपको डेबिट पे डाल दिया। फॉर्मूला क्या है, वही है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल गेन। अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट वही है 7900, ओके, डिवाइडेड बाय 90, ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वही है, मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल गेन यूनिट्स 5, जो 438 हमारे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे वो डेबिट साइड में लिख लो, तो यहाँ पे बाकी का बचा जो है वो है कितना 8438 इसका टोटल है, और इसका 8438 ऑब्वियसली टोटल होगा तो 8338 हो जाएगा हमारा ट्रांसफर का कॉस्ट, सीधी बात है, नो बकवास, राइट, बन गई बात। तो प्रोसेस अकाउंट कुछ इस तरह से है।
तो इसके बाद अगर बूंदी डिपार्टमेंट का हम एक अकाउंट बनाएं,